पत्नी और बेटी को बनाया धोखाधड़ी का शिकार। मोहसिन अली मर्चेंट ने पार्टनर असगर अली बादशाह के साथ मिलकर रचा षड्यंत्र। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पी और पार्टनर की ही बीवी को ही बेचना बता डाला। उज्जैन बोरा समाज में जुड़े शहर के नामी गिरामी मोहसिन अली मर्चेंट ने अपने ही परिवार के सदस्य के साथ धोखाधड़ी के अपराधों को अंजाम दिया है। उसने किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी और सगी बेटी की ग्राम लालपुर में स्थित कृषि भूमि पार्टनर असगर अली बादशाह के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बाले बाले ही षड्यंत्र पूर्वक उस जमीन को असगर बादशाह की ही पत्नी को बेचना बता डाला। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उक्त जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री और नामांतरण भी करवा दिया। धोखाधड़ी के इस खेल को इतना शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया कि जमीन की असली मालिक पत्नी नफीसा और बेटी तस्नीम को इसकी खबर तक नहीं लगने दी। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए नफीसा पति मोहसिन अली मर्चेंट, बेटी तस्नीम पति आरिफ हुसैन और उनके वकील खालिद खान ने बताया कि 6 दिसंबर 2001 को आनंदी बाई पति बाबूलाल निवासी ग्राम लालपुर देवास रोड उज्जैन व उनके परिवार के अन्य लोगों से उनके स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नंबर 80 रकबा 4.139 हेक्टेयर में से 3.721 हेक्टेयर नफीसा अली तस्नीम और उनके परिवार के अन्य लोगों द्वारा क्रय की गई थी। मोहसिन अली मर्चेंट उनके पार्टनर असगर अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचा है। इसमें तहसील कार्यालय के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिन्होंने जमीन के असल मालिक नफीसा और तस्नीम को सूचना दिए बिना ही जमीन का नामांतरण कर दिया। मेरी हमारी लालपुर में जमीन है 80/5 और 80/3, उसको फर्जी तरीके से गलत हस्ताक्षर करके अपने कागज पेपर सबमिट करके राजस्व डिपार्टमेंट में अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली और उस पर आगे सारा जो असगर अंकल बादशाह की वाइफ है जो उनके ही घर में रहते हैं उनके नाम पर ट्रांसफर करवा। ये खास करके मुर्तुजा भाई प्रेस वाले, असगर भाई मटका वाले, शब्बीर भाई लड्डू वाले, असगर भाई बादशाह, इन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स मेरे नकली हस्ताक्षर करके साइन करके उन लोगों ने डिक्लेरेशन बनाकर डिपार्टमेंट में सबमिट किया और वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया मेरे डैडी के नाम पे और वहाँ से उन्होंने सारा पति असगर अली बादशाह के नाम पे वो करा है। आपके जो फादर है वो किस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं आपको? ये टॉर्चर ही तो है, जो चीज़ हमारी है वो भी आप उनको दे रहे हैं, अपनी तो चीज़ आप सारा बादशाह को दे ही रहे हैं, असगर अंकल बादशाह को दे ही रहे हैं और हमारी भी जो चीज़ें हैं, जो हमारा गोल था मेरी मम्मी का जिससे उन्होंने बिजनेस किया वो भी आप उनको दे रहे हैं और ये भी चीज़ हमारी भी जो प्रॉपर्टियाँ हैं जो हमारे नाम पे हमारी थी, हमने कभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई ना वो इनको कोई हिबा नामा दे दिया, फेक बनाकर इन्होंने उनको वो दी, तो ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? आप हमारी मम्मी को रखते नहीं हो बराबर से, आपने हमारी मम्मी को कभी प्रॉपरली ट्रीट नहीं करा और अब इस एज में भी आप उनको टपराने में छोड़ दिया है आपने। कितने समय से आपकी मम्मी को संभाला? मेरे पापा ने तो काफ़ी सालों से उनको परेशान करके रखा, उनको 10 साल तक लिटरली रूम में बंद रखा, उनको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। क्या नाम है आपके फादर का, क्या बिजनेस है? मेरे पापा की फैक्ट्रियां हैं MPB और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पापा की सप्लाई थी और मेरे पापा का नाम मोहसिन अली मर्चेंट है। थैंक यू। दोनों को कुछ भी नहीं लिया, वो पार्टनरशिप में लिया है उसको भी तंग करते हैं, उसके ऊपर भी केस लगा लेते हैं, उसको भी सीधे ढंग से कमाने नहीं देता है। जो पिछले बेटे उन्होंने भी लड़के लिया तो थोड़ा बहुत दिया, अब क्या लिया वो नहीं बटे थे अभी। 2012 से क्या, उसके पहले से? उसके पहले से ही नहीं देते हैं, खाली वहाँ के तो क्या करते थे, दवाई ला के देते थे और खाना खिला देते, वो घर में किसी को आने नहीं देते थे मेरे पास, ऐसे 10-12 साल तक रखा कमरे में बंद। अच्छा, बंद करके भी रखा? हाँ, उस किसी को सगे वाले को भी नहीं आने दे। आप ये सामाजिक स्तर पे भी कार्रवाई है किसी आपके समाज? मोना ने 4 मरतबा बोला उनको, मुफद्दल मोना ने उसको 4 मरतबा बोला, उसको भी जवाब दे दिया और कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने बोला कि पॉकेट मनी दो उनको, तो उन्होंने पॉकेट मनी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी नहीं सुनी उनकी बात। अब बेटे के पास जो कुछ है वो करता है थोड़ा उम्र,
तो उससे भी पार्टनरशिप में उसको भी तंग करता है, तो वो भी दिक्कत करे, उनके भी तीन बच्चे हैं, तो उनको कॉलेज भेजना, पढ़ाना, गिनाना, उनका भी खर्चा करना पड़ता है ना इसी में।